फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि हैपन टू क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे एक मिनट दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि हैपन टू क्या है। फ्रेंड्स, यह टॉपिक समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर लिखा हो आई मेट हिम, तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? लाजमी है कि आप कहेंगे मैं उससे मिला। तो फ्रेंड्स, आई मेट हिम यानी मैं उससे मिला। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल दूं आई हैपेंड टू मीट हिम, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं उसे अचानक मिला, या मैं उसे एकाएक मिला, या नसीब की बात है कि वह मुझे मिला। तो फ्रेंड्स, हम हैपन टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई काम अचानक से हो गया, या कोई काम एकाएक हो गया, या कोई काम खुश नसीबी से हो गया, यानी मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा होगा। सी केम हियर, वह यहाँ आई। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे कहूँ सी हैपेंड टू कम हियर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह एकाएक यहाँ पर आ गई, या वह अचानक यहाँ पर आ गई, या नसीब की बात है कि वह यहाँ पर आ गई, यानी किसी को कोई खबर नहीं था कि वह यहाँ आ सकती है। आई वॉच्ड योर वीडियो, मैंने आपका वीडियो देखा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे कहूँ आई हैपेंड टू वॉच योर वीडियो, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं अचानक से आपका वीडियो देखा, या मैं एकाएक आपका वीडियो देखा, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं आपका वीडियो देख पाऊंगा, अचानक से आपका वीडियो मेरे सामने आया और मैंने उसको हिट कर दिया। सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, वह मुझसे एक सवाल की। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ सी हैपेंड टू आस्क मी अ क्वेश्चन, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ वह अचानक मुझसे एक सवाल कर दी, या वह एकाएक मुझसे एक सवाल कर दी, यानी मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे सवाल करेगी, ये काम अचानक हुआ, एकाएक हुआ। आइए फ्रेंड देखें कि हैपन टू हैव क्या है। फ्रेंड्स, हम हैपन टू हैव का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कि मुझे अचानक से मालूम चला कि मेरे पास कुछ है। जैसे आई हैव अ मोबाइल, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक मोबाइल है। लेकिन अगर इस सेंटेंस के जगह पर मैं कहूँ आई हैपन टू हैव अ मोबाइल, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मुझे अचानक से मालूम चला कि मेरे पास एक मोबाइल है, या मुझे एकाएक मालूम हुआ कि मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। लेकिन अगर इस सेंटेंस के जगह पर मैं कहूँ आई हैपन टू हैव अ लैपटॉप, तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि एकाएक मुझे मालूम चला कि मेरे पास एक लैपटॉप है, या एकाएक मुझे मालूम चला कि मेरे पास लैपटॉप है। कुछ लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी कहते हैं खुश नसीबी से मेरे पास एक लैपटॉप निकला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हैपेंड टू का मतलब समझ में आया कि हैपेंड टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई काम अचानक या एकाएक हो गया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।